हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और हम लोग देखिए कहाँ बैठे हैं, छत पे। और गर्मियों के मौसम में बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है नाइट में। तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। सब लोग यहीं पर बैठे हैं तो देखिए इधर हमारा हो क्या रहा है। ये देखिए लाइटिंग थोड़ी सी अस्त व्यस्त है बट दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए सब लोग कैसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमारी बाटी भी बन रही है और उसी में मैंने दाल में तड़का लगा दिया है कढ़ाई में ही। और यहीं पर देखिए बाटी हमारी बन रही है और दाल भी हमारी बन रही है। और कौन कौन इस तरीके से बना करके दाल और बाटी खाता है गर्मियों में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी पब्लिक देखिए कैसी बैठी हुई है। कुकर रखा हुआ है, कुकर अंदर बॉयल करके हम लोग दाल लेकर के आ गए थे। और फिर जो है मतलब मैंने बाहर ही ज़्यादा आ गई थी तो उसी पे कढ़ाई रख करके और तड़का लगा दिया है देसी अंदाज में। तो इस तरीके का खाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर कहीं अच्छी जगह 5-स्टार होटल में भी खाना खिलाया जाए ना तो इतना मज़ा, इतना सुकून कहीं नहीं है जितना देसी खाने में है और देसी अंदाज में रहने और खाने में है। तो इस तरीके का खाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इंतज़ार हो रहा है कि दाल थोड़ी सी मतलब हो जाए गरम और इसके बाद में हम लोग बाटी में घी लगा करके फिर खाएंगे आराम से बैठ करके यहीं पर। और कैसे हैं आप सब, और मेरे वीडियोस पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, भगवान करे इसी तरीके से चलता रहे। और देखिए हमारी कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है। और वो जो देख रहे हैं ना आप, देखिए पीछे वो ब्राह्मी का है पौधा, और मतलब ब्राह्मी की बेल है। और ब्राह्मी जो है ना मतलब जिन लोगों को मिर्गी वगैरह आती है या जिनके लिए मतलब जिनके बच्चे उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चों का माइंड जो है डेवलप नहीं हो पा रहा है तो वो इसकी एक पत्ती या दो पत्ती बच्चों को सुबह शाम खिलाएं। अभी ना खिलाएं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडक देती है बॉडी को। थोड़े दिन के बाद 2-4-8-15 दिन के बाद जब गर्मी पड़ने लगे तो इस तरीके से 2 पत्ती सुबह 2 पत्ती शाम को खिलाएं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कम हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और माइंड को, हमारी बुद्धि को बढ़ाती है मैं ये कहूँगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ पहले कि मैंने दाल और बाटी को कैसे बनाया हुआ है। तो वैसे मैं दाल और बाटी की कई वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बट ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरे इधर की दाल और बाटी जो कि मैंने आग ही में बना करके रखी हुई है। अब बोलना मत। तो ये देखिए मैंने यहीं पर दाल में तड़का लगा दिया है और दाल देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, ये देखिए। और यहीं पर बैठे बैठे बाटी भी हमारी इधर सिक गई हैं और दाल भी हमारी बन गई है। तो देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देसी अंदाज में बनी हुई दाल आपको कितनी पसंद आई और कैसी लग रही है। देखिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बनी हुई है। देखिए मूंग की दाल बनाई हुई है और देखिए आग भी है, अभी तो काफ़ी आग दिख रही है देखिए इधर। और अभी इसमें तड़का लगाया है मैंने और बाटी भी हमारी यहीं पर सिक गई हैं। अब हम लोग यहीं पर बैठ कर के खाएँगे दाल और बाटी। तो देखिए बाटी भी सिक गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए मुझे अवन से ज़्यादा अच्छी बाटियाँ आगी में सिकी हुई लगती हैं और सारी बाटियाँ बहुत ही अच्छे से सिक जाती हैं। और जो जो लोग मुझे अगर पहले से देख रहे होंगे ना तो उन लोगों को पता है कि किस तरीके की खाना मुझे पसंद है। और ये देखिए बाटी हमारी कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है एकदम से। और इसी तरीके से मैंने इनको सेक लिया है और मैं बहुत कम ओवन में बाटी बनाती हूँ, मैं हमेशा इसी तरीके से बाटी बनाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बेबी देखिए कितना सारा बर्तन फैला करके बैठी हुई है। देखिए क्या चाहिए बेबी, क्या खाओगे? दाल बाटी। दाल बाटी। और देखिए ईशु भी अपनी प्लेट लेकर के बैठा हुआ है, दोनों बहन भाई इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि भाई कब बाटी और दाल आएगा और हम लोग आराम से खाएंगे। देखिए छोटे छोटे, अभी मैं इनका वीडियो बनाती हूँ और हमारा साथ क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहने वाला है तो जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो इस तरीके से जब अपने आप को देखा करेंगे तो वो लगेंगे मम्मा ने हमारा क्या वीडियो बना करके डाला हुआ है, वो भी यूट्यूब पे सारी दुनिया को दिखा रही है। अभी तो इन लोगों को पता नहीं है कि मम्मा हमारी वीडियो बनाती है। और ये देखिए बेबी,
बेबी ये क्या रखा है आपके सामने? नमक की डब्बी, घी की केतल, सब कुछ लेकर के बैठी हुई है, पानी, और इधर एक और सब्जी है सुबह की रखी हुई है मटर की। और मतलब इस तरीके से जब बच्चे बैठ करके आराम से इंतज़ार करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए घी लगा लेते हैं बाटियों में, निकालती हूँ मैं बाटियों को।
तो देखिए बाटियों में मैंने घी लगा दिया है और बची हुई हैं थोड़ी सी, वो लगा लेती हूँ। तो देखिए आप लोगों को दिखा दिया है घी लगा करके, तो मैं और घी लगा लेती हूँ। और देखिए कितनी टेस्टी कड़क कड़क बाटियाँ बनी हुई हैं और इतने अच्छे से मैंने इसमें घी लगाया है, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरे न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हम लोगों ने देखिए बाटियाँ बना ली हैं, घी लगा लिया है और अब दाल जो है हमारी अच्छे से बॉयल होने लगी है, तो वो मैं प्लेटों में बच्चों को दे देती हूँ और खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दाल को मैंने प्लेट में दे दिया है बच्चों के लिए और अब हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। और आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें इतने प्यारे वीडियो के लिए। बाय बाय।